देखिए ओम प्रकाश राजभर जी हमारे गठबंधन के मंत्री, उनको अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कुछ फितरतबाजी और पैतरेबाजी करने के वादी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका संज्ञान इसलिए नहीं लेती है, अगर वो हमारी सरकार में मंत्री हैं तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, सरकार के सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ हैं। अगर उनको कोई परहेज होता तो वो मंत्री नहीं होते। मंत्री हैं इसका मतलब सरकार के साथ है। क्या भाजपा के लिए वो भस्मासुर बन गए? क्या भस्मासुर तो अपना ही संहार करता है, और अगर उनके अंदर विवेक होगा, बुद्धि होगी, तो कोई भी समझदार व्यक्ति भस्मासुर बनने की कोशिश नहीं करेगा। गठबंधन की और लगातार ये टूट रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि कहीं मायावती जी पूरी तरीके से बौखलाई हुई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 19 के चुनाव में उन्हें भारी सीटें अपनी छोड़ देनी पड़े? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं है। सपा बसपा गठबंधन की केवल नौटंकी कर रही है। अगर सही मायने में गठबंधन होता तो कुछ न कुछ न्यूनतम कार्यक्रम होता गठबंधन का, कोई न कोई मुद्दे शामिल होते, जनता के हितों की उसमें कुछ कारण और उद्देश्य भी होते। इस गठबंधन में दूर दूर तक इसका कहीं अता पता नहीं है, इसलिए यह गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टियों से भगदड़ को रोकने के लिए जल्दबाजी में यह नाटक किया है। लोकसभा चुनाव घोषणा के पूर्व यह गठबंधन अपने आप भरोसा